विभाग से आज वैशाली नगर में मिला है। कई इलाके से लोग ये सूचनाएं दे रहे हैं कि उनके इलाके में भी खानाबदोश घूम रहे हैं। आप क्योंकि शहर के अंदर कई जगह पर असहाय गरीबों की मदद कर रहे हैं, आप क्या दिख रहे हैं शहर में? दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। तो बिल्कुल जगह जगह इस प्रकार के खानाबदोश नजर आ रहे हैं। बजरंगगढ़ तो जैसे बड़ा केंद्र बन गया है, वहां पर जो भोजन वितरण करने वाले हैं हॉस्पिटल में, उनमें आधे से ज्यादा यही खानाबदोश लाइन लगाते हैं। शहर के कई भामनगर समाज से भी वही भोजन देने पहुंच रहे हैं। ऐसे ही जो हमारी आनंद सागर चौपाटी है, इसके चारों तरफ भी कुछ खानाबदोश नजर आ रहे हैं। और जगह जगह कॉलोनियों में जहां पर भी भोजन वितरण होने वाला होता है, उस घर पर इस प्रकार के खानाबदोश अन्यास निकल के आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस प्रकार के खानाबदोशों को जो क्वारंटाइन जो आइसोलेट करने की बात हुई थी, इसको एक साथ इकट्ठा करने की, उसमें कहीं ना कहीं चूक रही। इतनी बड़ी प्रशासनिक चूक रहने का नुकसान पूरे अजमेर को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जहां एक और अजमेर बिल्कुल सेफ और सुरक्षित चल रहा था, वहाँ एकदम से ये पॉजिटिव आने के बाद से लगातार ये संख्या बढ़ रही है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये और भी हॉटस्पॉट की तरफ अजमेर बढ़ जाएगा। तो मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कि इन प्रकार के खानाबदोशों को तुरंत प्रभाव से, क्योंकि जो क्वारंटाइन करने की बात हो रही है, आइसोलेट करने की बात हो रही है, वो शहर में कुछ स्थान चयनित किए गए हैं। मुझे लगता है इसके बजाय इनको शहर से दूर इनको आइसोलेट किया जाना चाहिए और क्वारंटाइन वहाँ किया जाना चाहिए। मैं एक आखिरी सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। प्रशासनिक चूक तो हो गई है अब, लेकिन प्रशासनिक चूक के अंदर जिस अधिकारी की जवाबदेही थी, जिसके माध्यम से इतनी बड़ी लापरवाही और चूक हुई है, अब प्रशासनिक अमला उसको छुपाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या अब इसके ऊपर कोई जांच कमेटी बैठनी चाहिए या सरकार को सीधे तौर पर अब मॉनिटरिंग करनी चाहिए? देखिए सुशील जी, इस पर मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहला काम तो है इस हुई गलती को ठीक करना, इन खानाबदोशों को और जो वहां से निकल भागे हैं, क्योंकि वहां पर लिस्टिंग मात्र 148 की है, 350 से ज्यादा वहां थे, तो बाकी 200 लोग कहां गए, उसकी जानकारी जुटा करके तुरंत उनको लेकर के आना चाहिए। और भी शहर में जो खानाबदोशों को इकट्ठा करना चाहिए, और ये बाद में कार्रवाई होती रहेगी, जांच होती रहेगी कि कौन इसके लिए दोषी है, क्योंकि किसी को दोष देने से आज अजमेर सुरक्षित नहीं रह पाएगा, दोषी साबित कर देने से। वो जो भी प्रशासनिक कार्रवाई वो बाद में होती रहे, लेकिन इस प्रशासनिक चूक को तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए, शहर भर के खानाबदोशों को इकट्ठा किया जाए। आज भी वैशाली नगर में एक संदिग्ध पाया गया खानाबदोश, उसके कारण से पूरे वैशाली नगर क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। ऐसा ही माहौल जगह जगह बन रहा है। इस जनता को इस प्रकार के खानाबदोशों को ले जा करके जनता को राहत देनी चाहिए और अजमेर सुरक्षित रहे, ये प्रयास प्रशासन को और पुलिस प्रशासन तो लगातार कर ही रहा है, करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भाजपा नेता नीरज जैन थे हमारे साथ, जो लगातार ये कह रहे हैं कि अभी सबसे पहले कोरोना को कंट्रोल करना चाहिए, हर तरीके से पूरे शहरवासियों को साथ देना चाहिए प्रशासनिक कमरे का, और कोशिश करनी चाहिए कि किसी प्रकार से लापरवाही ना बरती जाए। एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।